एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर ममता। सो यार, कैसे आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्किन केयर हैक या स्किन केयर रूल्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने अगर डेली बेसिस पे अपने स्किन केयर पे यूज कर लिया तो डेफिनेटली आपको आपके सारे स्किन केयर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अ वीडियो। लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो देन प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो यार, इस स्किन केयर रूल या स्किन केयर हैक को फॉलो करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, लाइक बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं। इस स्किन केयर रूल को, इस स्किन केयर हैक को आपकी सिर्फ डेली रूटीन में आपको यूज करना है, वो भी सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट को यूज करके, जो कि आपकी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग बना देगा। सो गाइस, इस स्किन केयर हैक को, इस स्किन केयर रूल को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेस वॉश, ऑब्वियसली, क्योंकि हम फेस वॉश से ही फेस वॉश करते हैं। अगर आप ना नेचुरल क्लेंजर भी यूज करते हो, लाइक DIY फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, उसे भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो यूज कर रही हूँ वो है नीम एंड सैलिसिलिक एसिड का डॉक्टर सेठ का फेस वॉश, जिसे आप देख सकते हो। तो इसी को यूज करके आज मैं आपको ये स्किन केयर रूल बताने वाली हूँ। तो इस स्किन केयर रूल का नाम है 60 सेकेंड रूल। 60 सेकेंड रूल के बारे में आपने सबने सुना होगा, लाइक बहुत ज्यादा चल रहा है। तो 60 सेकेंड रूल का मतलब होता है कि आपको आपके फेस को अच्छे से क्लींस करना है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। हम सब जानते हैं कि इस दौड़ भरी दुनिया में आपको पास 60 सेकंड तो क्या 30 सेकंड भी नहीं होते अपने फेस को वॉश करने के लिए, जिसकी वजह से आप विगरसली अपने फेस को वॉश करते हो, जिसकी वजह से आपको पिंपल, एक्ने, लाइक आपकी स्किन जो है ड्राई होने लगती है, अच्छे से एक्सफोलिएट भी नहीं होती, आपकी स्किन क्लीन भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ओपन पोर्स जैसे प्रॉब्लम काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने इस 60 सेकेंड रूल को डेली सुबह और शाम में फॉलो कर लिया अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में और मॉर्निंग टाइम स्किन के रूटीन में, तो डेफिनेटली विद इन 21 डेज आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग लगेगी, काफी ज्यादा आपकी क्लियर लगेगी, आपको कभी भी डेड स्किन सेल्स नजर नहीं आएंगे, आपकी स्किन पिंपल फ्री रहेगी, एट द सेम टाइम काफी ज्यादा ग्लोइंग रहेगी। तो इस 60 सेकेंड रूल को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फेस वॉश। तो आप ना कोई भी फेवरेट फेस वॉश ले सकते हो, मैं आप डॉक्टर सेठ का ले रही हूँ। आपको फेस वॉश लेना है बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, जैसे आप देख सकते हो, एंड इसे अपने अपने ड्राई फेस पे अप्लाई करना है। मैंने अभी अपने फेस पे हल्का सा वॉश भी नहीं किया है, बस ड्राई फेस पे आपको इसे चारों जगह, दैट इज फोरहेड, दोनों चीक साइड पे एंड अपने चिन एरिया पे अप्लाई करना है अच्छे से, ठीक है। एंड हल्का हल्का आपको लाइक सूखे पे ही इसको अच्छे से यूजिंग योर फिंगर टिप्स आपको इसे अच्छे से क्लीन करना है। अभी हम ड्राई ब्लेंड ही कर रहे हैं, आपको अभी कोई पानी कुछ यूज नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ड्राइस पे ही क्यों यूज किया है, क्यों मैंने पानी यूज नहीं किया, क्योंकि ड्राइस पे यूज करोगे तो आपके जो फेस वॉश है वो डीपली जाएगा, तो ही तो वो रिजल्ट दिखा पाएगा ना, वरना आपने कोई फेस वॉश यूज कर लिया गिल्ले फेस पे तो अच्छे से आपके फेस को क्लींस नहीं कर पाएगा। लेकिन ड्राई पे यूज करोगे आप थोड़ा सा, तो वो आपकी स्किन की डीप तक जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है, मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है, ठीक है। हल्का सा गर्म पानी लेना है, उससे आपको अपने फिंगर को डिप करना है एंड आपके फेस पे जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से अप्लाई करना है एंड आपको सिर्फ फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस को क्लींस करना है। अभी मैं आपको कुछ टेक्निक बताती हूँ, तो उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। अब बात ये करते हैं कि 60 सेकंड रूल में ना आपको आपके पाम को यूज नहीं करना है, दैट इज दिस वन, इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ फिंगर्स को यूज करना है एंड जेंटली अपने फेस को क्लींस करना है। तो स्टार्टिंग हम चिक्स से करते हैं, तो पहले मैं अपनी राइट साइड की चिक लेती हूँ एंड आपको अपने चिक्स को ऊपर से नीचे अच्छे से क्लींस करना है, अपने जो ईयर लोब है उसे भी अच्छे से क्लींस करना है, ईयर एरिया तक के अच्छे से आपको क्लींस करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। आप चाहो तो बीच बीच में थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लींस कर देगा, ठीक है। अच्छे से आपको क्लींस करना है, आपको आपकी आई लोब को भी नहीं छोड़ना है, आई एरिया को भी आपको अच्छे से क्लींस करना है, ठीक है। एक ही एरिया पे आपको थोड़ी देर 30 सेकेंड्स तक, 15 सेकेंड्स तक फोकस करना है, पहले 15 सेकेंड तक। अभी 15 सेकेंड हो गए, अब हम दूसरे एरिया पे 15 सेकेंड तक फोकस करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से क्लींस करना है, लाइक डीपली क्लींस करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। तो यू गैस कैन सी कि मैं कितने हल्के हाथों से यूज कर रही हूँ, अपने ईयर आई एरिया पे भी इसको अच्छे से अप्लाई करना है।
अब चिन एरिया पे आपको अच्छे से करना है 15 सेकेंड्स तक। एंड नाउ आपको फोरहेड एरिया पे चिन के साथ ऐसे करना है जिसके मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। अब आपको हल्का सा पानी और लेना है एंड सिर्फ अपने फोरहेड एरिया पे फोकस करना है। फोरहेड पे हम सब कंप्लेन करते हैं कि हमें टाइनी बर्न्स हो जाते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से क्लींस नहीं करते, लेकिन अगर हमने क्लींस कर लिया तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ना। तो फोरहेड एरिया को भी आपको अच्छे से क्लींस करना है एंड देन आपको आपके पूरे फेस पे फिर से 15 सेकेंड तक यूज करना है, ठीक है। बीच बीच में मैं आप पानी लेती रहती हूँ एंड अच्छे से और थोड़ा सा फोम बना के अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन क्लींस कर रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कि मैं जब तक ये कर रही हूँ आपको इसके बेनिफिट्स। तो ये आपकी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। अगर स्किन ग्लो करेगी तो मतलब है कि आपकी जो स्किन से जो सारे प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो चुके हैं। अब वो कैसे कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा तो ये आपके चेहरे की सारी टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा जिसकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ये 60 सेकेंड रूल को डेली फॉलो कर लिया तो ये आपके ब्लैक हेड को रिमूव करेगा, व्हाइट हेड को रिमूव करेगा, आपके स्किन को मैटिफाई कर देगा यानी क्लियर कर देगा, स्किन को पिंपल फ्री बना देगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देगा, एक्ने स्कार्स को रिमूव कर देगा, ठीक है, पिगमेंटेशन को रिमूव कर देगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देगा, एट द सेम टाइम आपके स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग बना देगा। एंड अगर ऐसे यूज करते रहे तो आपको टैनिंग जैसी शिकायत भी नहीं होंगी, ठीक है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे जो है अप्लाई कर लिया है। अब आपको यूजिंग हल्का गर्म पानी से वॉश कर लेना है, तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ एंड देन आपको इसका रिजल्ट शो करती हूँ। सो यार जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ। अब मैं इसे टॉवल की हेल्प से पैट ड्राई करूंगी। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फेस को अच्छे से पैट ड्राई कर दिया है। नाउ यू कैन सी दे कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर लग रही है। अभी मेरे चेहरे पे पिंपल्स है फॉर श्योर, लेकिन हाँ मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर लग रही है, यू गाइस कैन सी कि कितनी क्लियर लग रही है ये। सारी गंदगी जो है वो रिमूव हो गई है एंड टच करने के बाद ना आपको अपनी जो स्किन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होती है, काफी ज्यादा स्मूथ फील होती है। एट द सेम टाइम इसने मेरे चेहरे से ना स्किन को हल्का हल्का एक्सफोलिएट भी कर दिया है जिसके वजह से मेरी स्किन स्मूथ भी फील हो रही है। गाइस यू कैन सी द रियल रिजल्ट्स। अगर आपने इस 60 सेकेंड रूल को डेली फॉलो कर दिया तो यू कैन सेंस कि कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो यार इस 60 सेकेंड रूल को डेफिनेटली ट्राई करना। एंड अगर आप इस वीडियो को ट्राई कर रहे हो, इस 60 सेकेंड रूल को ट्राई कर रहे हो, देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो यार आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।